Hey guys, welcome back to the channel with a new vlog on a new day and with a new energy to start the day. तो ये वाली जो व्लॉग है ना, ये मैं बहुत पहले से ये व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा था और रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज पहले भी अगर आप मुझे इंस्टा स्टोरीज में फॉलो कर रहे होंगे इंस्टाग्राम पर, तो आपको पता होगा कि मैं जवान मूवी ऑलरेडी देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरी बार देखने जा रहा हूँ, बिकॉज तब प्रतीक के साथ गया था। प्रतीक मतलब मेरा जो विद्वान वाला फ्रेंड है जिसके साथ मैं पुणे की ट्रिप किया था। पिछले वाले पुणे वाली प्लेलिस्ट अगर नहीं देखो तो वो देख सकते हो, पिछले वाली व्लॉग देख सकते हो, तो उसमें वो था व्लॉग में, तो आपको रिलेट कर सकते हो अगर पहली बार इस व्लॉग को देख रहे हो। तो उसके साथ मैं गया था। अभी के लिए कुछ चीज़ें हैं, मैं क्यों गया था, क्या है, जब वो वापस आ जाएगा बैंगलोर तो मैं वो चीज़ें शेयर करूंगा, अभी मैं शेयर करना ठीक नहीं समझता हूँ, ठीक है। एनीवेज तो अभी मैं, लेकिन यहाँ के मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे वो लोग प्लान बना रहे थे, मुझे वीकेंड में ना रूम में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो मैं सोच रहा था कि कहीं जाऊँ। इनसे पूछा तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मूवी नहीं देखे तो मूवी देखने जाएंगे। एक सेकंड, ये बहुत स्लाइड कर रहा है। मैं कह रही यार जा रहे तो मैं अकेला क्या ही करूंगा रूम में। चलो एनीवेज, जवान मूवी है, दूसरी बार भी हम देख सकते हैं। तो टिकट्स के प्राइस काफी कम थे एंड ये वाला जो एक्सपीरियंस है थोड़ा अलग भी रहने वाला है। और वैसे भी जवान मूवी को, ये वाले मतलब जवान जैसे मूवी को अगर उस हॉल में मैं जाके देखूं जो कि उर्वशी, अगर बैंगलोर से, आपको पता होगा उर्वशी यहाँ का एक लोकल थिएटर्स में से एक है जहाँ पे आपको कंप्लीट जो लोकल वाली वाइब, मतलब चिल्लाना उल्लाना हर चीज वो मिलती है। आईनॉक्स पीवीआर तो पूरा शांत माहौल। मैं गया था जवान जब आईनॉक्स देखने, आई गेस अन्नादा मेरे दोस्त जो थी वो भी गई थी, तो आई थिंक वो अकेली थी जो ऐसे एक अकेली लड़की जो सीटी मार रही थी और कोई ताली तक नहीं मार रहा था, तो बहुत ही चुपचाप वाला साइलेंट वाला माहौल बन चुका था तब। बट यहाँ पे आई होप कि वो मज़ा आए, और मज़ा मैं वो चीज़ मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा कैसी मैं एक्सपीरियंस रहती है, बिकॉज काफ़ी दिनों से ना मैं वैसी वाली लोकल वाली थिएटर्स में नहीं गया हूँ। बिकॉज भुवनेश्वर में जब था तो मैं केसरी महाराजा बहुत बार गया हूँ एंड मज़ा आता है। लेकिन मूवी देख रहे हो सब चुपचाप, पॉपकॉर्न खा रहे, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे, चुपचाप धीरे धीरे फुसफुस करके बात कर रहे, मज़ा नहीं आता यार, चिल्लाना विलाना थोड़ा चाहिए होता है। तो एनीवेज मेरा एक्सपीरियंस क्या रहता है वो तो व्लॉग के एंड तक आपको पता चल ही गया होगा। फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं, बिकॉज अभी शायद बस स्टॉप पे सब वेट कर रहे हैं हम लोग का, एंड हम लोग फटाक से रेडी भी हो चुके हैं। कुछ करना तो है नहीं मुझे, और बस ऐसे अपने चश्मे को लगाना है और निकल जाना है, ठीक है। नीचे जाके मिलता हूँ आपसे। यहाँ पे बस स्टॉप और मैं आशुतोष और उसका दोस्त आके यहाँ पे रुक चुके हैं, लेकिन प्रतीक और रुतराज अब तक नहीं आया और जन्मेश भी, तो उनके लिए वेट कर रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं हॉल के पास, कुछ 500 मीटर दूर है। यहाँ पे टाइम नहीं था करके हम लोग नॉर्मल वड़ा पाव सैंडविच ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ ब्रेकफास्ट वाला चीज़ लंच में खा रहे हैं मील में। एंड यहाँ से खाने के बाद एक चीज़ अच्छा होगा, 500 मीटर से चल के निकल जाएंगे, आधा घंटा है हमारे पास, आराम से जाके पहुँच सकते हैं। ये है चॉकलेट शेक एंड अपना वड़ा पाव एंड ऑल, ये सब वेटिंग पे, सिर्फ उसका फुटबॉल मिला, इसको चॉकलेट शेक मिला, मैं सोचा वड़ा पाव जल्दी मिल जाएगा यार। ये अपना वड़ा पाव आ गया यहाँ पे, उसे क्या होना था, फिर एक बनाना शेक भी मंगा लिया। कई दिनों बाद हॉल के बाहर इतना भीड़ दिख रही है, मतलब लोकल हॉल्स जैसे होते हैं नो मॉल्स। रास्ते में शायद उनको मिलेंगे, उनको बोलता हूँ लाइव लोकेशन शेयर करने के लिए, देखते हैं अगर उनको हम लोग ओवरटेक करते हैं या कुछ करते हैं, पता नहीं मिलेंगे या डायरेक्ट पीछे में मिलेंगे। भाई साहब क्या एक्सपीरियंस था, मतलब मैं जब से बैंगलोर आया हूँ ना, मैं वो मिस कर रहा था जो लोकल थिएटर्स की जो माहौल होता है ना, वो मैं मिस कर रहा था जो भुवनेश्वर में उड़ीसा में मैं करता था। महाराजा केसरी अगर उड़ीसा से कोई देख रहे हो, भुवनेश्वर से स्पेशली, को ये नाम पता होंगे केसरी महाराजा, हमारे लोकल्स में कितने फेमस है। लेकिन एक और चीज़, जब से मैं बैंगलोर आया हूँ कभी भी वैसा एक्सपीरियंस नहीं मिला था, एंड यहाँ के लोग तो और भी ज़्यादा, मतलब
इतना चिल्लाया है, मतलब मैं तो कुछ ही क्लिप्स रिकॉर्ड करके आपको दिखा हूँ, हर जगह इतना चिल्लाया। मैं सोचा एंट्री सीन्स का लिए रिकॉर्ड करूंगा बिकॉज वो दिखाने थे, बट ये लोग हर जगह, और लास्ट को तो इतना चिल्लाया कि भाई डायलॉग्स भी सुनने को नहीं मिला। वो तो अलग बात है कि मैंने पहले देख लिया था मूवी इसलिए मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई, बट ये लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब हो गया। मतलब इतना ज्यादा शोर हो गया था, ये लोग लास्ट के जो 10-15 मिनट को फिर बोले ना भाई इतना चिल्ला रहे कैसे यहाँ से निकलना है, बहुत मतलब लोगों का गला बैठ जा रहा था चिल्ला चिल्ला के, क्या नारे वारे क्या चला रहे। यहाँ पे जाएंगे तो ऐसे लोकल्स में जाएंगे तो ये एक्सपीरियंस तो जरूर मिलता है, ऐसा एक्सपीरियंस तो ठीक है, एक टाइम एक्सपीरियंस था यहाँ का, अच्छा भी लगा बिकॉज मैं मूवी देख चुका था, मुझे पता था क्या होने वाला है, क्यों चिल्ला रहे क्या है। बट जो लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा और ऐसा रहेगा ना, फर्स्ट टाइम मूवी देख रहे हो पहली बार और ऐसे एक्सपीरियंस में ना बहुत बुरा लगेगा, बिकॉज सच बता रहा हूँ अराउंड 10% ऑफ द टाइम ना, मतलब मूवी के 10% के डायलॉग्स इनको पता नहीं होंगे, मुझे पता है क्योंकि मैं पहले देखा हूँ, इन लोग को मेरे दोस्त लोगों को पता नहीं होंगे बिकॉज वो सुना ही नहीं दे रहा था, मैं खुद गेस कर रहा था कि अरे क्या बोल रहा था उधर उस टाइम पे, तो वैसे मैं पकड़ रहा था, ये लोग तो समझ नहीं पाएंगे बीच बीच में। फिर भी चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अगली बार से मैं तो नहीं जा रहा हूँ वैसे हॉल्स को, अगर जाऊंगा तो ऐसे ही मस्ती मजाक में कुछ कॉमेडी मूवी देखने चला जाऊंगा, वरना वहां नहीं जा रहा हूँ। और प्लस इतना दूर जाके मूवी देखना कोई मायने नहीं रखता, आराम से यहाँ पे अपना ब्रूकफील्ड मॉल में आईनॉक्स है, थोड़ी दूर शांति निकेतन में पीवीआर है, सिनेपोलिस है, आराम से जाएंगे वहां देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वैसे मैं चाहता तो जवान मूवी जब पहली बार देखने गया था तब मैं व्लॉग बना के पोस्ट कर चुका होता, बट मैं इसलिए नहीं किया बिकॉज देखो मैं व्लॉग बना के ऐसे पेंडिंग होल्ड में रखना मुझे पसंद नहीं है, मैं डाल देता, और मैं चाहता था कि कुछ चीजें अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करूँ आप लोगों के साथ, तो मैं अगर तब डालता ना तो फिर जो लोग मूवी नहीं देखे हैं तो थोड़ा बुरा लगता उनको, अरे यार ये बोल दिया बोल दिया, वो सारी चीजें मैं तो अभी भी नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज मैं जब गया तो बहुत सारे लोग अभी भी देख रहे हैं नए के लिए। ठीक है, जो भी है सो भी है, जब से भी देख रहे हो, मैं कुछ भी स्पॉइलर या कुछ भी नहीं देना चाहता, 20 दिन बीत चुके हैं ऑलरेडी उस मूवी को रिलीज हुए, बट फिर भी मैं कुछ स्पॉइलर अभी के लिए नहीं दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, जैसा भी बना है जो भी बना है आई होप कि आपको पसंद आया, लाइक कर देना। आई गेस अगले व्लॉग में आपको वो मेरी गोइंग टू ऑफिस है ऐसे कुछ व्लॉग आने वाली है, बिकॉज कल है मंडे एंड पता नहीं मंडे जाऊंगा या वेंसडे जाऊंगा ऑफिस, उसमें कोई क्लू नहीं है, बट जो भी है जैसे भी है मैं व्लॉग में वो अपडेट कर दूंगा। स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल, और भी अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बी द रीजन समवन स्माइल्स टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर।